भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर दक्षिण के प्रवासी सांसद नायब सैनी एवं जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने अलवर शहर के विभिन्न शक्ति केंद्रों पर जाकर बूथ अध्यक्षों सहित कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए प्रवासी सांसद नायब सैनी ने बताया कि विगत 4.5 वर्षों से अधिक के कांग्रेस शासन के अंदर राजस्थान में भय अपराध का माहौल बना है। इस माहौल में न महिला सुरक्षित है और न ही किसान। राजस्थान महिला अपराध, उत्पीड़न और बलात्कार में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के मंत्री विधानसभा के अंदर राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताकर होने वाली महिला अत्याचारों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड 17 बार से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। इस घटनाओं से वर्षों से तैयारी कर रहा युवा का सरकारी सेवा में जाने का सपना चकनाचूर हो जाता है। RPSC जैसी संवैधानिक संस्थानों के सदस्यों का पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल होना सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। राजस्थान का किसान आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी का जो वादा किया था वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में तुष्टिकरण की नीति को बढ़ावा मिला है। यहाँ हादसों के शिकार हुए व्यक्ति को धर्म देखकर उसे सहायता राशि प्रदान की जाती है। ऐसी निर्लज और संवेदनशील सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार केवल झूठी और हवाई घोषणाओं के सहारे चुनाव मैदान में उतरकर राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रही है। परंतु अब राजस्थान का आम जन अशोक गहलोत के इस जादू को समझ चुका है। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि अलवर दक्षिण जिले के अंदर प्रत्येक शक्ति केंद्र पर प्रवास योजना जारी है। प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक शक्ति केंद्र पर जाकर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख एवं पेज प्रमुख स्तर तक कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है और पेज कार्यकारिणी सहित प्रमुख कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के संबंध में संगठनात्मक विषयों पर संवाद में चर्चा की जा रही है। जिले के सभी बूथों को ABCD कैटेगरी में विभक्त किया गया है। संपूर्ण जिले में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के जरिए कार्यकर्ताओं की अलग टोली बनाई जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जाना तय है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव रण के लिए हर समय तैयार है। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, रवि यादव, राजेंद्र सैनी, हरीश अरोड़ा, शक्ति केंद्र संयोजक रामावतार शर्मा, आनंद बेनीवाल, शक्ति केंद्र प्रभारी विजेंद्र शर्मा, मंडल महामंत्री राकेश यादव, महेंद्र पटवारी, पार्षद शीला जांगीर, उपाध्यक्ष कमलकांत जांगीर, दीपक गुप्ता, अजय शर्मा, रवि शर्मा, नीलिमा गुप्ता, हरजीत सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।